अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे भाई और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और टाइम जो है ना 7:30 बज चुका है और तुम्हारे भाई की जो है ना आज एक बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। 638 रुपीज़ मिला है, 41 किलोमीटर गाड़ी चली है खारगढ़ से टर्मिनल 2, ठीक है। और जो है ना आज तो पहली बुकिंग लग गई है मुझे घर से निकलते ही नहीं। तो कल गाइज मैं खाली गया हूँ एम्प्टी वापस, मतलब खारघर में बैठे बैठे 12 बजे चले गया घर वापस, क्योंकि कोई बुकिंग मुझे कल नहीं लगी थी। आज तो जैसे ही खारघर पहुँचा हूँ मुझे पहली बुकिंग प्राइम में उबर में लगी है एयरपोर्ट टर्मिनल 2, और ड्रॉप भी इसका हो गया। 7:23 हो चुका है और अभी जो है ना कोई बुकिंग जो नहीं आई है। वैसे उबर जो है ना बुकिंग देता है, लेकिन अभी देखेंगे नीचे उतरते हुए देता है कि नहीं, क्योंकि नीचे तो उतरते हुए टर्मिनल 2 से अपने को जो है ना बुकिंग दे देता है। आज जो है ना दिन भर में कितना काम करेंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ। और एक दिन वीडियो जो है ना ये लेट आई है, क्योंकि कल एक्चुअली वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जब कुछ काम ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो मैंने आप लोगों को वीडियो जो है ना नहीं दिया। और अभी जो है ना देखो सूरज जो है ना वो निकल चुका है, ठीक है, सूरज निकल चुका है। और हम अभी मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हुए उबर जो है ना बुकिंग अपने को दे देता है। अभी कहाँ जहाँ की भी देगा ले लेंगे, कोशिश करूँगा कि बुकिंग ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो रुक के ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, और यहाँ से कहीं बाहर जाके भी ज़्यादा फ़ायदा अपने को नहीं है। नहीं तो विले पार्ले की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर यहाँ से छोटी मोटी भी बुकिंग 100-150-200 रुपये की भी लेके जाएंगे तभी भी ठीक होएगा, क्योंकि संडे है, ट्रैफिक तो होने वाला नहीं है आज। संडे के दिन रोड अक्सर खाली रहते ही है, तो इसके लिए छोटी मोटी बुकिंग जो भी है लेके निकल जाएंगे। अभी 6670 नंबर वैसे चल रहा है उबर में, ठीक है। ओला तो मैंने ऑनलाइन नहीं किया है अभी, देखते हैं फिर, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने नहीं किया बेल आइकन दबाओ, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे। और देखता हूँ अगर अंदर जाता हूँ तो आप लोग 472 में सेक्टर, अरे 49 किलोमीटर 472 रुपये, क्या कर रहा है उबर। अरे बाप रे बाप, कंसाई रोड मतलब कल्याण के भी आगे 49 किलोमीटर, अरे यार क्या उबर, क्या हो गया तेरे को, तौबा है। हेलो 203 रुपए में टर्मिनल, ये ठीक है, ये भी यार छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बुकिंग है 203 रुपए में 22 किलोमीटर, और इसमें जो है ना 10-15 रुपए कमीशन कटने वाला भी है। नहीं भाई कहीं छोटी बुकिंग दे देगा तो अच्छा है 5-7 किलोमीटर की, लेकिन ये 22 किलोमीटर में 203 रुपए में तो नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। कितना कम पैसा दे रहा है एयरपोर्ट पे, क्या गाड़ी फोकट चलने वाली है क्या। 49 किलोमीटर का 472, 162 कॉम्प्लेक्स कांदी वाली पश्चिम, 18 किलोमीटर, मतलब कोई भी बुकिंग जो है ना वो छोटी सी नहीं दे रहा है। 18 किलोमीटर के 162 कमीशन कटेगा 10-15 रुपये, 18 किलोमीटर 150 में, सोचो आप 150 में 18 किलोमीटर, नहीं भाई नहीं चाहिए। अगर तमीज़ की बुकिंग देता है तो ठीक है, नहीं तो अंधेरी ईस्ट की तरफ कहीं भी चला जाऊंगा मैं। वैसे एक बुकिंग और देगा, अभी 3 बुकिंग आई है, और एक बुकिंग देगा लास्ट, फिर उसके बाद नंबर में जो है ना नंबर लगने वाला है। नंबर तो लगा हुआ है लेकिन 4 बुकिंग देता है। चलिए ठीक है, फिर वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, मैं आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद मिलता हूँ। तो ये देखो भाई, अभी है ना अपन एंट्री कर रहा हूँ मैं एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रहा हूँ टर्मिनल 2। मुझे जो है ना, मैं चले गया था विले पार्ले वेस्ट से मुझे वापस से बुकिंग लगी टर्मिनल 2 उबर प्राइम में, जिसमें मुझे मिला है कितना मिला है 166 6 किलोमीटर का। और अभी है ना यहाँ से, अभी देखिए ये यहाँ पे टोकन नंबर लेना पड़ता है, ठीक है, टोकन लेना पड़ता है। और ये ऐसा एंट्री P4 में जो है ना, आपको ऊपर किधर जाने की जरूरत नहीं है, ओला उबर का जो आपने देखा है ना वहाँ से एंट्री करना है अंदर। और P4 में ये सीधा जो है ना आपको नीचे चले जाना है बेसमेंट में, ठीक है। ये देखिए ये बेसमेंट है, ये
आपको सीधा ऐसे बेसमेंट में चले जाना है और यहाँ से लेना आपको राइट, ये राइट लेके फिर आपको देन इमीडिएटली लेफ्ट। अभी पहला जो है ना ये ओला है, ये लेफ्ट में देख रहे हो आप, जो ये दो सिक्योरिटी जा रहे हैं ना, ये दो लेफ्ट में पहले ओला है, फिर आपको इसके बाद उबर में पड़ेगा। वो जो गाड़ियाँ टर्न ले रही है ना आगे से लेफ्ट से, वो उबर का पिकअप पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पिकअप पॉइंट पे आके पिकअप करके आपको निकल जाना है, एग्जिट करने के लिए आपको एरर दिखाएगा। सो फ्रेंड्स, 9:41, ठीक है, 9:41 हो चुकी है और मैं भी थाने में, मैंने कस्टमर को ड्रॉप करके लगभग 15 मिनट हो गई है। देखो डिवाइस जो है ना ऑनलाइन है और अर्निंग 1121 रुपये, ठीक है, अर्निंग 1121 हो गई है और 10 मिनट हो गई है। अच्छा, एक बुकिंग आई थी मेरे को तुरंत, जैसे कस्टमर को ड्रॉप किया तुरंत मेरे को आई, 387 में गोरेगांव, तो मैंने रिसीव किया और कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे जा रहा था, बट कस्टमर ने कर दिया कैंसिल, पता नहीं क्यों किया, पता नहीं, ठीक है। तो जब से अभी तक कोई बुकिंग आई नहीं है, सोच रहा हूँ 1121 रुपये का अर्निंग फटाफट अपनी आज हो गई है, एक दो बुकिंग और लग जाए 500 की तो अपना काम जो है ना वो एकदम चौकस हो जाएगा, फिर अपने को टेंशन अर्निंग बनाने की रहेगी नहीं, क्योंकि अभी अगर बिठा दिया तो फिर टाइम हो जाएगा ख़राब, टाइम अपने पास ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक है। चलिए फिर बताता हूँ आपको थोड़े टाइम के बाद आगे की इन्फॉर्मेशन। एकदम फ्रेश फ्रूट मिलता है यहाँ पे। सो भाई, तुम्हारा भाई की है ना बुकिंग आज, मतलब तबाह के बुकिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ ऐसे बुकिंग लगने पे है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ठीक है, टाइम भी नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल से जो है ना टाइम मिल रहा है। और ये देखो उबर में इतनी अर्निंग हो गई है अपनी, और एक बुकिंग जो है ना इन ड्राइवर में कंप्लीट हुई है 200 रुपीज़ की, ठीक है, और 2260 रुपये इसमें, मतलब 2460 रुपये का काम जो है ना वो अपनी अर्निंग अभी तक हो चुकी है। और टाइम 1:47, 1:47 जो है ना वो हो चुका है। अभी सोच रहा हूँ एक आधा बुकिंग फोर्ट साइड की कोई अच्छी सी लग जाए 350 रुपये में, और फिर वहाँ से सीधा घर का गो टू होम लगाऊंगा और निकल जाऊंगा घर पे, क्योंकि 5 बजे तो अभी रमज़ान शरीफ के महीने में जाना रहता ही है, लेकिन फिक्स नहीं है, कहीं फंसना नहीं चाहिए, अगर फंस जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी जो है ना मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है फिनिक्स कुर्ला में, और वहाँ से सीधा थोड़ा आगे आके CNG रिफ़िल कराया मैंने, क्योंकि CNG मुझे घर जाने से पहले भरानी पड़ती थी, तो यहाँ पर क्या पम्प खाली था, यहाँ पर महानगर पर मैंने CNG भरा के अभी घाटकोपर इसमें खड़ा हूँ। यहाँ से देखता हूँ कोई बुकिंग अपने को जो है ना अच्छी सी लग जाए, दुआ करो, और फोर्थ साइड की लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं निकल जाऊँ फटाफट। आई थी एक बुकिंग, तो वो आई थी लोअर परेल की एक बुकिंग मुझे आई थी, बट कस्टमर ने वो कैंसिल कर दिया था, तो इसके लिए मैंने, देखो क्या मैसेज आया, चेतावनी प्रतीक्षा में रखा गया है, तो वो कस्टमर ने कैंसिल कर दी थी। फिर एक आई चेंबूर 139 रुपीज़ में, वो मैंने नहीं लिया, फिर अभी जो है ना कर रहा हूँ वेट, बुकिंग लगता है इस तरफ कम है। और 30 रुपये का जो है ना ये देखो बूस्ट, ये जो ब्लू पट्टा दिखा रहा है ना ऐसा आपको, ऐसा इसके अंदर से 30 रुपये का बूस्ट लगा हुआ है, देखो 30 रुपीज़ का बूस्ट लगा हुआ है यहाँ से, मतलब अपने को कोई भी बुकिंग आती है ना तो 30 रुपये अपने को बूस्ट का एक्स्ट्रा मिलेगा, बट आ नहीं रही है ना, आने भी तो चाहिए, खाली दिखाने से क्या होता है। चलिए फिर आगे का बताता हूँ थोड़े टाइम के बाद। लो आई है भाई 230 रुपये में, दादर अंबेडकर नगर दादर और सहकार नगर कुर्ला, दादर पे मैंने टच किया 15 किलोमीटर 233 रुपये में, बुकिंग देखो उड़ गई है, ठीक है, ये देखिए कितना इसमें किलोमीटर दिखा रहा है अपने को, दो मिनट दिखा रहा है 450 मीटर, यहीं से लेफ्ट दिखा रहा है, गली में से निकल जाता हूँ फटाफट और दादर कस्टमर को ड्रॉप करता हूँ, और फिर देखता हूँ आगे की बुकिंग किधर की मिलती है, बताऊँगा आपको। जब तक आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो आप लोगों को फटाफट जो है ना वो मिलती रहनी चाहिए, और काम को जो है ना ऐसा नहीं है मैं खाली वीडियो में बकचोदी करते रहूँ और आप लोग खाली सुनो नहीं और सीखो नहीं, काम आपको सीखना है, ओके। ये भी कस्टमर ने कैंसिल किया बुकिंग और अकाउंट हो गया मेरा होल्ड, बोलो अकाउंट होल्ड कर दिया है, अंधेरी लोखंड वाला अंधेरी वेस्ट की बुकिंग दे रहा है, ले भैया ये क्या किया यार, मैंने थोड़ी कैंसिल किया, तीनों बुकिंग कस्टमर ने कैंसिल किया है यार, ये लोग ऐसे करते, देखो 15 मिनट के लिए मेरा अकाउंट होल्ड पे जो है ना डाल दिया कंपनी ने, सोचो अपनी गलती भी नहीं है कस्टमर ने, मैंने खाली एक ही कैंसिल किया था और दो कस्टमर ने किया है, तो इसमें अपनी गलती तो कुछ नहीं है, बट फिर भी कंपनी ने जो है ना बंद कर दिया, 15 मिनट के लिए बंद किया है।
ये देखो भाई 2906 और 200 रुपये का जो है ना उसमें 210 रुपये की बुकिंग एक अपनी लगी है इन ड्राइवर में। और अभी जो मैं ना कफ परेड में बैठा हूँ गिरगांव चौपाटी, मैंने घाटकोपर वेस्ट घाटकोपर ईस्ट में से गिरगांव चौपाटी मैंने ड्रॉप किया कस्टमर को, इसमें मेरे को 493 रुपीज़ मिला। फिर मलाबार हिल से मुझे बुकिंग आई 160 रुपीज़ में चर्च गेट मैंने ड्रॉप किया और मुझे इमरजेंसी लगी थी थोड़ी, तो मैं अभी जो है ना यहाँ पे कफ परेड में फ्रेश हो गया और ऑनलाइन हूँ तब से ही, बुकिंग कोई भी नहीं आई यहाँ, ना गो में बजी है ना प्रीमियर में बजी है। अभी सोच रहा हूँ यहाँ से जो है ना गेटवे की तरफ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से गेटवे की तरफ निकलता हूँ और फिर जो है ना अपने को बुकिंग कोई भी अच्छी सी मिल जाएगी। अगर नवी मुंबई की मिलेगी तो घर चले जाएंगे, नहीं तो आज घर जो है ना वो लेट जाने का इरादा है, लेकिन अभी कुछ फिक्स नहीं है। देखो क्रिकेट चालू है यहाँ पे, थोड़ा सा क्रिकेट देख रहे हैं, पब्लिक जो है ना दबा के इधर उधर घूमने निकली हुई है और अपन न कर रहे हैं काम। तो देखो वहाँ से जो बुकिंग लेने का रीज़न था ना घाटकोपर से फोर्ट साइड का, एक तो यहाँ से नवी मुंबई की बुकिंग गेटवे से मिलनी रहती है इजी, ठीक है, टाइम पे मिल जाएगी तो चले जाऊँगा घर पे, नहीं तो फिर आज लेट जाने वाला हूँ। तो यहाँ से जो है ना नवी मुंबई की बुकिंग ईजिली मिल जाती है क्योंकि हर्बल लाइन जो है ना वो अक्सर बंद रहती है, लेकिन हर्बल लाइन चालू होने का टाइम हो गया, 4 बजे चालू हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना लेट हो गया हूँ। और दूसरा फिर यहाँ देखो, कभी भी आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखो, आप पिकअप कर रहे हो और फिर ड्रॉप कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ से पिकअप करके और कहाँ ड्रॉप करना है, हमको ड्रॉप करने के बाद वहाँ से बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज़ का हमेशा खास करके ध्यान रखना है, फिर इससे अर्निंग बढ़ने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, कहीं की भी बुकिंग पेलते हैं और फिर बाद में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग काम नहीं हो पाता है। तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ा टाइम के बाद, जब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिले। चलो ये लो भाई, टाइम देखो टाइम, आप लोग 9:26 हो गई है और मैं अभी सीवुड्स के इधर हूँ और बुकिंग का कर रहा हूँ वेट। अभी कस्टमर को जो है ना मैंने नेरुल में ड्रॉप किया है, ठीक है, नेरुल में कस्टमर को ड्रॉप किया है और हालत जो है ना आज थोड़ी सी नाजुक सी हो रही है। और रोज़ा जो है ना आज मेरा बाहरी मुझे खोलना पड़ा कफ पैरेड में, एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से वापस चर्च गेट आया और कफ पैरेड में रोज़ा खोला और वहाँ से गेटवे गया, गेटवे में आधा घंटा रुका, बुकिंग नहीं आई, फिर एक लोकल बुकिंग 150 में मारा, फिर वापस गेटवे आया, फिर कोई बुकिंग नहीं आई, आधे घंटे के बाद फिर वापस बुकिंग आई और मैंने 9:20 पे मैंने ड्रॉप किया नेरुल में और नेरुल से अभी सीवुड आया हूँ। सीवुड आके अभी कोई भी बुकिंग मुझे नहीं आई है, जा रहा हूँ सीवुड मॉल की तरफ, देखूँगा कोई अच्छी सी बुकिंग आ जाएगी तो लेके चले जाऊँगा, खारघर या तलोजा या कलम्बोली, तीसरी जगह नहीं जाना है, यही तीन जगह जाना है, नहीं तो नहीं जाना है कहीं भी। और अर्निंग जो है ना वो एकदम अच्छी हो गई है, मस्त हो गई है, अभी तक 4,500 की हो गई है। और मैं व्लॉग को जो है ना यहीं पे एंड करता हूँ और गाड़ी जो है ना, अच्छा देखो लोकल चलाने में गाड़ी बताता हूँ आपको कितनी चली है, गाड़ी अपनी चली है 290 किलोमीटर, ठीक है, 290 किलोमीटर गाड़ी चली है और 4,500 की अर्निंग हुई है, और 350 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलती है जब 4,400 बनता है इंटरसिटी बुकिंग में, सोचो आप, थोड़ा क्लच ब्रेक तो होता है लेकिन कम गाड़ी चलती है लोकल में, ठीक है। अभी कल जो है ना, कल मंडे है और कल मंडे को जो भाई सुबह ही बुकिंग लगेगी ना, अपने को धड़ाधड़ बुकिंग मारेंगे और बताएंगे, मंडे नहीं मंगलवार को वीडियो में बताएंगे आपको कल मंडे को कितना काम करने वाले हैं। चलिए फिर, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने नहीं किया बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए, समझो आप 4,500 अर्निंग हो गई है मेरी, इन ड्राइव में किया है और इसमें 4,150 रुपये किया है, ठीक है, तो 4,500 तक की अर्निंग हुई है। और चलिए फिर, बाय बाय।